सो ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग यूरोप के शहर डेनमार्क को दिखा करती है, जिसमें हम सभी ही इस सिटी के अंदर रह रहे साइकेट्रिक डॉक्टर सिलमैन को देख पाते हैं, जो कि वो नॉर्मली अपनी जॉब कर घर के अंदर ही आए थे। तो तभी ही इनको अपने घर के बैक साइड की तरफ से, जहाँ पर एक छोटी सी गली सी बनी हुई थी, उधर से उनको किसी औरत की बहुत ही इंटेंस तरीके से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो कि वो किसी को अपने हेल्प के लिए पुकार रही थी। तो अब उस अनजान औरत की आवाज को सुन डॉक्टर सिलमैन वो तुरंत ही भागते हुए अपने घर के पीछे जा, जहाँ पर उनको बहुत ही बुरी तरीके से सड़क पे पड़ी हुई एक शार्लेट नाम की मिडिल एज लेडी शॉकिंगली दिखाई देने को मिलती है, जिसकी कंडीशन दिखने में से लग रही थी कि ये किसी ने बड़े ही बहरे में से शार्लेट को टॉर्चर कर बुरी तरीके से पीटे, उसके साथ प्रोबेबली रेप किया हो, एंड देन उसके बाद शार्लेट को चलती गाड़ी से ऐसे फेंक दिया हो, जिसका एग्जैक्ट रीजन आप सभी को भी थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि क्यों आखिर में मैंने शार्लेट को रैप का विक्टिम बताया है। सो एनीवे, से डॉक्टर सीमैन वो अपने ठीक सामने शार्लेट को इतनी बुरी तरीके से जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ देख, जो कि वो खड़ी भी नहीं हो सकती थी, इमीडिएटली उसको जैसे तैसे उठाकर अपने घर के अंदर ला, उसके कपड़े वगैरह चेंज कर बेड पे लिटाकर उसको खाने के लिए कुछ देते हैं। तो बस अब जहाँ पर शार्लेट वो डॉक्टर सीमैन द्वारा उनके खाने को ही खा रही थी, तो तभी ही उसी ही वक्त डॉक्टर सीमैन वो शार्लेट के पास बैठकर उसकी इतनी बिगड़ती हुई हालत को देख, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि वो एक साइकेट्रिस्ट है, इससे टेरेबल इंसिडेंट के बारे में इससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जानने के लिए कि आखिर में इसकी ऐसी कंडीशन कैसे और क्यों हुई थी। तो मीनवाइल ठीक सामने ही बैठी शार्लेट ये डॉक्टर सीमैन की इन बातों को सुन उनको बताते हुए कहती है कि इस शार्लेट ये बचपन से ही किसी नेमफोबिया नाम की बीमारी से ग्रस्त है। अब जिनको नहीं पता कि ये किस तरीके की बीमारी है, तो मैं आप सभी को ही फिलहाल के लिए बस इतना ही बताना चाहूंगा कि यह काइंड ऑफ अनवांटेड सेक्सुअल डिसऑर्डर था, जिसके चलते शार्लेट की इतनी टेरिबल कंडीशन हो गई थी, जो कि आप सभी ही अभी थोड़ी ही देर में मूवी में आके चलकर देखे ही लोगे कि किस एक्सट्रीम लेवल की बीमारी है ये। बट उससे पहले मैं आप सभी को ही एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अब हमको मूवी में आगे जो भी दिखाया जाएगा वो सीरियसली काफी ज्यादा अनसेटलिंग होने वाला है, तो आप चाहो तो इस वीडियो को ही किधर से ही देखना छोड़ सकते हो। तो बस अब सिंह सीधा घूमकर शार्लेट के बचपन की ओर ही फोकस करता है, जहाँ पर वो डॉक्टर सीमैन को बताते हुए कहती है कि आखिर में कैसे इन सब की शुरुआत हुई थी, जिसका नाम होता है चैप्टर 1 द कंप्लीट एंगुलर। तो समहाउ चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हम सभी ही रेलेवेंटली चाइल्डहुड के टाइम छोटी सी शार्लेट को देख पाते हैं, जो कि वो स्कूल से अपनी किसी एमी नाम की फ्रेंड को घर के बाथरूम के अंदर लेकर आती हैं, जहाँ पर वो नॉर्मली आम बच्चों के तरह हाइड एंड सीक या कुछ और खेलने के बजे नर्वस डोसिला नाम का एक बड़ा ही वियर्ड गेम खेलते हैं, जिसमें सबसे पहले शार्लेट एंड एनी वो दोनों मिलकर अपनी अंडरवेयर उतार फर्श पे इंटायर फ्लोर पे शावर की मदद से पानी को झड़क कर ऑकवर्ड तरीके से अपने दोनों पैरों को चौड़ा कर स्ट्रेच कर बॉडी के लोअर एरिया को फर्श पे टच करते हुए शॉकिंगली शार्लेट एंड एनी ऑर्गेजम फील कर रहे होते हैं, जो कि अपने आप में ही देखने में काफी काइंड ऑफ वियर्ड था, क्योंकि मिस्टर एंड मिसेस पार्किंसन को जो कि शार्लेट के पेरेंट्स थे उनको इस मैटर के बारे में बिल्कुल ही पता ही नहीं था कि इनकी बेटे शार्लेट वो अपने फ्रेंड्स के साथ पीठ पीछे किस तरीके के गेम से खेला करती थी, जो कि एक किडन गार्डन में पढ़ने वाले बच्चे से बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग था, क्योंकि ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था कि शार्लेट वो इस तरीके के गेम से खेल रही थी। बिकॉज हर रात टीम एंड मारिया के सोने के बाद शार्लेट वो बड़ी ही चालाकी से अपने डैड के बुक सेल के अंदर से, जो कि वो प्रोफेशन से एक डॉक्टर थे, वहाँ से किसी तरीके के रिप्रोडक्शन वाली किताब को निकाल उस पे बने हुए कुछ मैन पोबिक एरियाज को थे, जिनके मैं नाम नहीं ले सकता वरना वो सुनने में थोड़ा सा वल्गर साउंड करेंगे। शार्लेट वो बुक पे बने हुए उन पिक्चर्स को अजीब तरीके से उनको देख छू कर शॉकिंगली ऑर्गेजम फील करती है, जो कि राइट फ्रॉम दैट मोमेंट ही किधर से ही शार्लेट की ये मेंटली निम्फोबिया वाली सिंड्रोम नाम की अनवांटेड बीमारी की इनिशियल स्टेट शुरू होती हैं, जिसके दो बेसिक इंसिडेंट अभी हम सभी को ही चैप्टर 1 द कंप्लीट एंगुलर में दिखाए हैं। तो अब सिन सीधा चैप्टर 1 के इंसिडेंट से 6 साल बाद चैप्टर 2 के ऊपर फोकस करता है, जिसका नाम होता है WDIE। वेल, इस चैप्टर की शुरुआत में हम सभी को ही यंग बट अनमेच्योर और किसी को नहीं बल्कि हाई स्कूल में पढ़ने वाली शार्लेट को ही दिखाते हैं, जिसका किसी जिमी नाम के लड़के से तकरीबन पिछले एक साल से रिलेशनशिप चल रहा था। तो बस इसी ही बात को देखते हुए शार्लेट, जैसा कि हम सभी ही देख ही रहे कि वो जिमी के घर पे आ अपने इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाने के लिए जिमी के साथ हुकअप करने के लिए आई हुई होती है,
जो कि देखने में और सुनने में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दिक्कत की बात ये थी कि तकरीबन 4 घंटे तक जिमी के साथ इंटीमेट होते वक्त शॉकिंगली, जहाँ पर एक तरफ तो जिमी की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि उससे खड़े होकर चला नहीं जा रहा था, बट मीनवाइल वहीं दूसरी ओर सैलेड को इस हुकअप के दौरान शॉकिंगली अंदर से ऑर्गेजमी फील नहीं होता, क्योंकि अब इसकी जो अंदर की डिजायर की इंटेंसिटी थी वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी, जिसका एक बेसिक सिनेरियो अभी हम सभी नहीं कंप्लीट एंगुलर में देखा है। तो बस अब फिलहाल के लिए शार्लेट ये जिमी को इतनी बुरी तरीके से थका हुआ दे अंदर से फ्रस्ट्रेट हो इसके घर से चली जाती है। तो समहाउ घर जाते वक्त शार्लेट वो ट्रेन में बैठकर डाउनटाउन की तरफ ही जा रही थी, तो तभी ही उसे ही वक्त शार्लेट को ठीक अपने सामने की तरफ एक जोश नाम का बंदा बैठा दिखाई देने को मिलता है, जो कि वो प्रोबेबली शार्लेट से उम्र में 9-10 साल बड़ा था। तो एग्जैक्टली इन्हीं बातों को देखते हुए शार्लेट जिसे जोश को देखते हुए मन ही मन बहुत ही बुरी तरीके से इंटीमेट करने की अर्ज हो रही थी, ये सोचते हुए कि जो सेटिस्फेक्शन इसको अपने बॉयफ्रेंड जिमी से नहीं मिला था वो मे बी इसको जोश डिलीवर कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाता, बिकॉज शार्लेट वो इंटेंशनली जोश को सेड्यूस कर वॉशरूम के अंदर ले जाकर वियर्ड पोजीशन में इंटीमेट हो रही थी। तो इस हुकअप के दौरान शार्लेट को सेम जिमी की तरह ही जोश से भी ऑर्गेजम फील नहीं होता, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि शार्लेट की जो ऑर्गेजम की स्टेट थी वो अब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी थी। तो अब सिन वॉल्यूम 1 के लास्ट एंड फाइनल चैप्टर के ऊपर फोकस करता है, जिसका नाम होता है जेरोम। वेल इस चैप्टर के अंदर हम सभी को ही कॉलेज में पढ़ने वाली यंग एंड ब्यूटीफुल और किसी को नहीं बल्कि शार्लेट को ही दिखाते हैं, जो कि स्टिल अपने डिजायर एंड प्लेजर से काइंड ऑफ सफर कर रही होती हैं, जो अभी हम सभी नहीं इसके प्रीवियस चैप्टर WIE में देखा था, जो कि इस चैप्टर के 2 साल पहले के इंसिडेंट थे, क्योंकि अब चीजें शार्लेट के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ कहीं ना कहीं बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि हम सभी नहीं इसके पिछले चैप्टर में देखा ही था कि कैसे शार्लेट को अपने बॉयफ्रेंड जिमी एंड जॉर्ज से इंटीमेट करते वक्त कुछ भी फील नहीं हुआ था। तो एग्जैक्टली वही चीजें सैलेट को अभी तक बुरी तरीके से परेशान कर रही होती हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो सेक्सुअल अर्जेस थी वो अब बिल्कुल ही अनसेटिस्फाई होने की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। तो बस अब इन्हीं रीजंस के चलते सैलेट के जब कभी भी अपने कॉलेज क्लास में चलते लेक्चर के दौरान या फिर जैसा कि अभी हम सभी ही देख ही रहे हैं लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते वक्त सैलेट के अपने आसपास बैठे आदमियों को देख बिना कुछ सोचे समझे अपनी ऑर्गेजम की फीलिंग पे कंट्रोल ना कर सभी ही लोगों के सामने शॉकिंगली मास्टरबेट करना शुरू कर देती थी। और बस इसी के ही साथ हमारा ये चैप्टर 3 निम्फोविया वॉल्यूम 1 के साथ शार्लेट की कुछ इनिशियल लाइफ की अनसेटलिंग बातों के साथ कि कैसे वो धीरे धीरे अपने अनसेटिस्फाई ऑर्गेजम के चलते सेक्स एडिक्ट बनती जा रही थी, जो उसने अभी डॉक्टर सिमेन के साथ अपनी लाइफ के कुछ फेसेस के थ्रू रेलेवेंटली शेयर करी थी। फिलहाल के लिए इधर ही एंड हो जाती है एंड राइट फ्रॉम दैट मोमेंट फोविया वॉल्यूम 2 के लिए एग्जैक्टली ठीक इधर से ही स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हम सभी ही शार्लेट के आगे की कुछ और अनसेटलिंग फेसेस देखेंगे, जो कि वो काफी ज्यादा एजी पर्ट डिस्टर्बिंग होंगे, जिसमें हम सभी ही ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कैसे शार्लेट की हालत ऐसी हो गई थी, क्योंकि अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो अभी तक कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसे इंटायर पार्ट के अंदर कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि देखने में और सुनने में बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टिंग होगी कि कैसे एक लेडी ऑर्गेजम के डिजायर को पाने के लिए ये सब तक जा सकती थी। बट फिर भी इन द एंड मैं आप सभी को एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये मूवी अभी इधर एंड नहीं हुई है। बाकी अगर आप सभी ही चाहते हो कि हमको इस मूवी का सेकंड पार्ट लेकर आना चाहिए तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। बाकी रही बात है इस मूवी को देखने की तो इसका लिंक मैं आप सभी को ही इंस्टा पे दे दूंगा। तो वेल दोस्तों यही थी निम्फोविया वॉल्यूम 1 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।